अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है दी अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। नई सड़क शास्त्री नगर स्थित मंदिर की भूमि की खरीद फरोख्त मामले में लंबी चुप्पी के बाद आज मेरठ के सम्राट स्वीट्स के मालिक खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने धार्मिक भावनाओं की आड़ में उनसे धन की वसूली करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूर्व पार्षद वीरेंद्र शर्मा व सतीश गर्ग उनसे मोटी धनराशि मांग रहे थे, ना देने की एवज में उन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काते हुए प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया। इसके अलावा पिछले साल 10 अक्टूबर को योगेश पुत्र राजेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। 9 माह बाद संपत्ति को जिस पर कोई मंदिर का निर्माण नहीं था, वह इस साल 25 जनवरी को विवेक शर्मा ने योगेश सैनी व कृष्ण गोपाल सैनी से खरीद ली। इसके बाद वीरेंद्र शर्मा व भाजपा नेता सतीश गर्ग ने विवेक से पुनः धनराशि की मांग की और ना देने की सूरत में उनके खिलाफ मंदिर तोड़ने व मूर्ति हटाने का आरोप लगाते हुए नौचंदी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। विवेक शर्मा का आरोप है कि वीरेंद्र शर्मा व सतीश गर्ग द्वारा इस संपत्ति को सार्वजनिक मंदिर का रूप देकर लोगों की धार्मिक भावना को भड़काते हुए कब्जाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। वीरेंद्र व सतीश गर्ग को भूमाफिया बताते हुए विवेक शर्मा का कहना है कि यह संपूर्ण संपत्ति उनकी है। वह इन दोनों के खिलाफ सारे सबूत देते हुए मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इन सभी आरोपों को लेकर सम्राट स्वीट्स के मालिका ने आज मीडिया से बात की। फर्स्ट बाइट से बात करते हुए उन्होंने यह बताया। एक्चुअल में नानू की प्रॉपर्टी थी जो 6041 खसरे के अंदर होती, 6043, और इसके अंदर ये मेरे बेटे ने ज़मीन को पूरा पेपर सारे देख करके चेक करके इसको खरीदने का वो किया। इसके अंदर जो मंदिर का इनका कहना है, ये मंदिर उनका अपना निजी मंदिर था जो कोई किसी तरीके से सार्वजनिक नहीं था, और इसी मंदिर को तूल दे करके इस ज़मीन के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने के लिए इस तरीके का ये षड्यंत्र रच रहे हैं। पेपरों में कहीं भी ये सार्वजनिक मंदिर नहीं दर्ज है। नगर निगम में इसका प्रयास किया जा रहा है कि इसको सार्वजनिक मंदिर दर्शाया जाए, लेकिन ये सार्वजनिक मंदिर नहीं था और ना रहा है। और जब मैंने इसको ख़रीदा है तो इसने इसके जो नानू सिंह के पोते थे उन्होंने इसको बेच दिया था, इसको बेचने के लिए इस मंदिर को खाली कर दिया था गया था, जिसकी 11/10/20 ने एक FIR दर्ज की गई। ये दर्ज करने वाले वीरेंद्र कुमार शर्मा हैं। इन्होंने लिखा उसके अंदर कि सारे पेड़ काट दिए गए, उसका बुर्ज तोड़ दिया गया, सारी मूर्ति यहाँ से हटा दी गई। उसी प्रकरण में दूसरी FIR 1/2/21 को की गई जो इनके नाम से की गई, और इनके एक भाई जिनका कोई मतलब नहीं है उनका भी नाम इसके अंदर डाल दिया गया, सिर्फ ये प्रेशर बनाने के लिए कि इन पर दबाव बनाया जाए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।